Let's improve English. Welcome to Let's Improve English. Friends, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आप काफी कुछ सीखने वाले हैं. कुछ कमेंट्स में मुझसे डाउट्स पूछे तो लोगों ने, उनका भी मैं सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाला हूँ. जैसे कि पहला सेंटेंस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भला मुझे क्या चिंता होगी अगर तुम नहीं आओगे, ये मुझसे कॉमेंट्स में पूछा गया है. तो देखिए इसे हम कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में. तो हम कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, भला मुझे क्या चिंता होगी अगर तुम नहीं आओगे. वेल व्हाई डू आई हैव टू वरी इफ यू डोंट शो अप. Well, why do I have to worry if you don't show up? ये जो well होता है ना, actually में हम जैसे कभी हिंदी में बोलते हैं ना, भला ऐसा क्या, मतलब अच्छा, बात की शुरुआत करने के लिए हम well लगा देते हैं. तो spoken English में इस तरीके से आप बोल सकते हैं, Well, why do I have to worry if you don't show up or come? So यहाँ पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्यों चिंता करने की ज़रूरत है अगर तुम नहीं आओगे. शो अप, शो अप बहुत कॉमनली बोला जाता है स्पोकन इंग्लिश में. शो अप का मतलब कहीं पर जाना, कहीं पर अपनी शक्ल दिखाना, कहीं पर आना. तो सामने वाला कह रहा है ना, तुम नहीं आओगे, तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. वाई डू आई हैव टू वरी इफ़ यू डोंट शो अप. शो अप की जगह पर आप कम भी बोल सकते हैं सिंपली. इसी में उन्होंने पूछा, भला मुझे क्या करना वो कहीं भी जाए. Well, I don't care about where he goes. भला मुझे क्या करना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जाता है. Well, how would his going somewhere matter to me? Well, how would his going somewhere matter to me? His going somewhere मतलब उसका कहीं पर जाना. How would it matter to me? उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे मुझे क्या मैटर होगा. मैटर के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं. वहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि मैटर को किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. सो हाउ वुड हिज गोइंग समवेयर मैटर टू मी, मुझे क्या मैटर होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे. इस तरीके से आप इन बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं. चलते हैं अगले डाउट की तरफ जो किसी ने पूछा था. He greeted his uncle by saying good morning. He wished his uncle a good morning. इन दोनों में क्या फ़र्क है, अगर आप देखें तो greet करने में और किसी को wish करने में फ़र्क क्या होता है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए. greet करने का मतलब होता है आप किसी से मिले और मिलने पर उनका अभिवादन करना. मिलने पर अब आप उन्हें नमस्ते करके भी अभिवादन कर सकते हैं, नमस्कार कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं, स्माइल भी कर सकते हैं सिर्फ, या आप कुछ भी उनका अभिवादन करने के लिए. यानी आपने किसी को देखा और देखकर आपने देखते ही सबसे पहला उसका स्वागत कैसे किया, जिसको भी आपने देखा उसे ग्रीट करना बोलते हैं. अब ग्रीट आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, हाय कह के, हेलो कह के, गुड मॉर्निंग कह के, कुछ भी कह के, स्माइल करके आप ग्रीट कर सकते हैं. सो यहाँ पर उसने कैसे ग्रीट किया अपने अंकल को, बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, यानी गुड मॉर्निंग ऐसा कहकर उसने बोला गुड मॉर्निंग अंकल. तो इसका मतलब है उसने ग्रीट किया अपने अंकल को गुड मॉर्निंग कह के. जबकि जब हम विश का यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हम किसी को विश करते हैं. इसका मतलब हम ऐसा दिखाते हैं सामने वाले को कि मेरी भगवान से ये प्रेयर है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो. जैसे कि ही विश्ड हिज अंकल अ गुड मॉर्निंग, यानी उसने अपने अंकल के सामने ये विश किया कि विश यू हैव अ गुड मॉर्निंग. यानी वो ऐसा कहना चाह रहा है कि आपकी मॉर्निंग अच्छी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ. इसका ये हिडन मीनिंग होता है जब आप किसी को कहते हैं ना गुड मॉर्निंग. सो हम कहते हैं ना ही विश्ड हिज अंकल अ गुड मॉर्निंग. यहाँ पर देखिए अ भी लगाया गया है क्योंकि अ मॉर्निंग के लिए लगाया गया है, मॉर्निंग काउंटेबल नाउन है. यानी कि एक अच्छी सुबह उसने अपने अंकल को विश की. यानी विश करना मतलब ऐसा भगवान से कामना करना, ऐसी भगवान से कामना करना, सामने वाले को कहना कि ऐसा हो, आपकी मॉर्निंग अच्छी हो. हम किसी को अ हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं, अ हैप्पी न्यू ईयर विश कर सकते हैं, अ हैप्पी दिवाली विश कर सकते हैं जो कि बाय गॉड आने वाली है कुछ ही दिनों में. सो अ हैप्पी बर्थडे, अ हैप्पी न्यू ईयर, अ हैप्पी दिवाली, कोई भी चीज़ जब आप किसी को विश करते हैं, इसका मतलब आप ऐसी कामना करते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा हो. जबकि ग्रीट का मतलब तो होता है जब आप किसी से मिले और मिलने पर आपने उनका स्वागत कैसे किया, आपने कैसे उनका अभिवादन किया, अगर हिंदी में बोले तो. आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीट और विश में क्या फ़र्क होता है. तुम्हारी और मेरी आदतों में फ़र्क है. योर हैबिट्स कॉन्ट्रास्ट विद माइन. अभी यहाँ पर मुझे इस वर्ड का यूज़ करने की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि ये भी इनफैक्ट मुझसे कमेंट्स में ही पूछा गया था कि कॉन्ट्रास्ट को हम कैसे वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं. तो अलग अलग तरीके से जिन भी तरीकों से इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले इसके प्रोनंसिएशन पर नज़र डालते हैं. इसको कॉन्ट्रास्ट भी बोला जाता है और कॉन्ट्रास्ट भी बोला जाता है. ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनंसिएशन की अगर हम बात करें तो इसे कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, जबकि US प्रोनंसिएशन की बात करें तो हम इसे कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं. सो हम प्रेफर करेंगे कॉन्ट्रास्ट. योर हैबिट्स कॉन्ट्रास्ट विद माइन. तो पहला तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कुछ फर्क दिखना,
कुछ डिफरेंस होना, यानी कि तुम्हारी और मेरी आदतों में फर्क है। योर हैबिट्स कॉन्ट्रास्ट, यानी आपकी हैबिट्स कॉन्ट्रास्ट करती हैं, यानी उनमें फर्क है। किन से? मेरी आदतों से। विद माइन, ये माइन एक्चुअली में एक प्रोनाउन है जो माई हैबिट्स के लिए लगा है। मैं यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ, योर हैबिट्स कॉन्ट्रास्ट विद माई हैबिट्स। अभी प्रोनाउन का काम ये होता है ना कि नाउन को हटाकर हम प्रोनाउन लगा सकते हैं ताकि हमें नाउन का रेपिटेशन ना करना पड़े। सो यहाँ पर हैबिट्स की बात हुई है, सामने वाले को पता है मैं हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, तो माई हैबिट्स ना बोल के मैंने माइन बोल दिया। योर हैबिट्स कॉन्ट्रास्ट विद माइन। तो एक तो कंट्रास्ट का मीनिंग हो गया इस तरीके से, यहाँ पर कंट्रास्ट एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगला इसका यूज देखिए कैसे हो सकता है, मतलब वही है तुम्हारी और मेरी आदतों में फर्क है, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज अ ह्यूज कंट्रास्ट इन योर हैबिट्स एंड माइन। यहाँ पर फिर से माइन एक प्रोनाउन है जिसकी जगह पर हम माई हैबिट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट एज अ वर्ब नहीं, एज अ नाउन यूज हुआ है। देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट, यानी एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, और ए एक आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए तो आते हैं, सो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर एक नाउन है। देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट इन योर हैबिट्स एंड माइन, यानी तुम्हारी हैबिट्स में और मेरी वाली में ह्यूज कॉन्ट्रास्ट है, यानी बहुत बड़ा फर्क है। तो एक कॉन्ट्रास्ट का यूज इस तरीके से हो गया, एक कॉन्ट्रास्ट का यूज इस तरीके से हो गया एज अ नाउन। अभी एक और बहुत प्रचलित तरीका है कॉन्ट्रास्ट को यूज करने का, उसे भी आप देखेंगे, मतलब वही है, लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं, योर हैबिट्स आर प्रेज़वर्दी इन कॉन्ट्रास्ट विद माय हैबिट्स। आप इस तरीके से ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट विद, उसके बाद आप किसी दूसरी चीज का नाम लीजिए, माय हैबिट्स, यानी यहां पर मतलब ये बनता है कि तुम्हारी जो आदतें हैं ना वो काबिले तारीफ हैं, तारीफ होनी चाहिए उनकी, जबकि अगर मेरी आदतों की बात करें तो उनमें फर्क है। दैट बुक वॉज वेरी एक्सपेंसिव इन कॉन्ट्रास्ट विद दिस वन, यानी कि वो वाली बुक बहुत एक्सपेंसिव थी इन कॉन्ट्रास्ट विद दिस वन। अब एक और कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है वो देखिए, इस फोटो या वीडियो का कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। आपने अक्सर लोगों को ऐसे बोलते हुए देखा होगा, टीवी में, फोटो में, वीडियो में, मूवीज में, इन सब के अंदर ना एक इफेक्ट होता है जिसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है जो फोटो या इमेज है उसके अंदर जो डार्क लाइट है जहां पर और जहां पर कम लाइट है, यानी कि ब्राइटर एरियाज हैं और जो डार्कर एरियाज हैं उनके अंदर बीच में एक जो सही डिफरेंस हमें दिखाई देता है ना उसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। दिस वीडियो और फोटो हैज अ बेटर कॉन्ट्रास्ट, इसमें बेटर कॉन्ट्रास्ट है। अब आप कॉन्ट्रास्ट का एक एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए आपके सामने ये फोटो है, इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, इसमें कॉन्ट्रास्ट की मात्रा कम है। मैंने आपके राइट साइड पर एक फोटो दिखाया आपको, इस फोटो को देखिए, देखिए ये फोटो दोनों सेम है लेकिन मैंने दूसरे वाले फोटो पर कंप्यूटर से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है इसके अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड वाला फोटो है इसके अंदर जहां पर जो लाइट वाला एरिया है, यानी देखिए यहां पर लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है बाहर से, तो आप क्या देख रहे हैं, ये ज्यादा ब्राइट है जबकि ये कम ब्राइट है, ये वाला ज्यादा ब्राइट है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने का मतलब होता है जो फोटो के अंदर अलग अलग कलर्स हैं, डार्क कलर है और जो ब्राइट कलर है उनके बीच में सही डिफरेंस हमें दिखाई देता है, उसका मतलब वो कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा ही ब्राइट, ज़्यादा ही एकदम अलग से दिखाई दे रही चीज़ें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या फ़र्क है, यहाँ पर क्या फ़र्क है। तो इस वाले फोटो के अंदर राइट साइड वाले में मैंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है, यानी जहाँ पर अंधेरा होगा वहाँ बिल्कुल ही अंधेरा होगा और जहाँ पर लाइट होगी वहाँ बिल्कुल ही लाइट होगी, ये होता है कॉन्ट्रास्ट। तो किसी भी वीडियो या फोटो के अंदर एक सही अमाउंट बहुत ज़रूरी होती है कॉन्ट्रास्ट की। अगर कॉन्ट्रास्ट कम हुआ तो भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, और अगर बढ़ गया, ज़्यादा ही हो गया, तो भी आपको बहुत अच्छी नहीं लगेंगी चीज़ें। तो अब आपको ये कॉन्ट्रास्ट भी समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रास्ट को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो आसानी से डर जाते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गेट्स स्केयर्ड ईजीली। वन ऑफ दोज का मतलब होता है उनमें से एक, वन ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, इस तरह की वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसमें मैंने आपको समझाया था इस तरह की चीज़ों को कैसे बोल सकते हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखना, आई बटन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गेट्स स्केयर्ड इजीली। वो दूसरों को तो बोलने ही नहीं देता, बस सब पे अपना राज चलाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस अपना ही राज चलाने की कोशिश करते हैं। इस बात को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए, ही रिफ्यूजेज टू लेट अदर्स स्पीक, ही जस्ट डोमिनेट्स एवरीवन। ही रिफ्यूजेज टू लेट अदर्स स्पीक, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, यानी वो मना कर देता है टू लेट अदर्स स्पीक, यानी दूसरों को बोलने की परमिशन देने से वो रिफ्यूज कर देता है, वो लेट ही नहीं करता दूसरों को, यानी दूसरों को परमिट ही नहीं करता कि वो कुछ बोल सकें। सो ही रिफ्यूजेज टू लेट अदर स्पीक, यानी दूसरों को तो बोलने ही नहीं देता। लेट का यूज भी मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ही जस्ट
डोमिनेट्स एवरीवन, वो सबको डोमिनेट करता है, बस अपना राज चलाने की कोशिश करता है, डोमिनेट करता है वो सबको, ही जस्ट डोमिनेट्स एवरीवन। डोमिनेट के कई तरह के कंसेप्चुअल मीनिंग बन सकते हैं, जैसे कि अगर किसी मार्केट में एक बड़ी सी दुकान है जो बहुत चलती है, दूसरों के मुकाबले सब उसी से ज्यादा सामान खरीदते हैं, तो हम बोल सकते हैं यार ये दुकान तो, ये शॉप तो डोमिनेट करती है मार्केट को। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, यानी कि सबसे अच्छी चलती है वो, सबसे बड़ी सक्सेसफुल है, कोई उसके आगे नहीं है, डोमिनेट करती है वो। वो अपने पापा के सामने बहुत आज्ञाकारी बन जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पापा के सामने एकदम चुपचाप शांत बन जाते हैं और मम्मी के सामने शरारतें करते हैं ज़्यादा। तो इसे कैसे बोलना है इंग्लिश में? ही बिकम्स कंप्लायंट इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। ही बिकम्स कंप्लायंट इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। कंप्लायंट का मतलब होता है एकदम जिससे जो भी कहो गाय की तरह एकदम सीधा है, जिससे कुछ भी बोलो फटाफट मान लेगा वो, उसे हम कंप्लायंट कह सकते हैं। सो ही बिकम्स कंप्लायंट, यानी कंप्लायंट बन जाता है, आज्ञाकारी बन जाता है, एकदम भोला भाला बन जाता है अपने पापा के सामने। अब मैं आपको अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहता, क्योंकि कंप्लायंट का एक और मीनिंग आप समझ लीजिए। हमारी कंपनी सभी सरकारी नियमों का पालन करती है, सभी सरकारी नियमों का पालन करती है। आवर कंपनी इज कंप्लायंट विद ऑल द गवर्नमेंट रूल्स। सो कंप्लायंट होने का एक और ये भी मतलब होता है कि सभी नियमों को पालन किया हुआ है आपने, यानी आप कंप्लायंट हैं, आपकी कंपनी कंप्लायंट है, यानी कि आपकी कंपनी सारे गवर्नमेंट रूल्स या जिस भी चीज़ से वो कंप्लायंट है, मतलब उस चीज़ का वो पालन करती है, उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको लेकर चलती है। सो यहां पर ये मीनिंग, यहां पर कंप्लायंट का मीनिंग ये है कि जो कंपनी है वो सारे रूल्स को लेकर चलती है, रूल्स का पालन करती है, वो ओबे करती है सभी रूल्स को। आवर कंपनी इज कंप्लायंट विद ऑल द गवर्नमेंट रूल्स, यानी सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो काम करती है, कोई भी रूल को वो ब्रेक नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से जरूर सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।